She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ, ये वेट एंड वाइल्ड का ब्रो किट है और ब्रो का जो प्रॉपर रूटीन है वो मैंने शेयर किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक वहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर अपने लिड पर और इसे मैं अपने फिंगर्स की हेल्प से पूरा अच्छे से ब्लेंड करूँगी, मैं स्पॉन्ज नहीं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद अपनी पैलेट का जो सबसे लाइट शेड होगा आप वो लें, उसको इस तरीके से टैप टैप करके ना थोड़ा सा जो एक्सेस है वो निकाल लें और अपने फिर पूरे लिड पे अप्लाई करें। इससे क्या होगा, आपको एक अच्छा बेस मिल जाएगा। तो इसके बाद मैं ये वाला शेड लूँगी और इसको मैं अप्लाई करूँगी अपने आउटर कॉर्नर में। अब मैं आपको बताती हूँ आउटर कॉर्नर कौन सा एरिया होता है। तो आप अपने ब्रश को कुछ इस तरीके से प्लेस करें, अब आप जो देखेंगे जो भी आपको अब इस ये जो साइड वाला कॉर्नर वाला एरिया है इसे कहते हैं आउटर कॉर्नर, इसी के ऊपर हमें अप्लाई करना है, ठीक है। पहले हम इसे अच्छे से पैक करेंगे और उसके बाद हम इसे ब्लेंड करेंगे। ऐसे सर्कुलर मोशन से आप अप्लाई करें और उसके बाद आप इनर कॉर्नर की तरफ जाएं, ठीक है। और याद रखें कि आप अपने ब्रश को थोड़ा सा दूर से पकड़ें, ठीक है। अब जब ये अच्छे से ब्लेंड हो गया तो अपनी क्रीज लाइन के लिए मैं यही शेड अप्लाई करूँगी, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए है, मैं नहीं चाहती हूँ आप शेड्स के साथ कन्फ्यूज़ हो जाएँ, और इसे अपनी क्रीज लाइन में इस तरीके से लगाऊँगी, ठीक है। अब जब ये क्रीज लाइन पे अप्लाई हो गया है तो थोड़ी सी हार्शनेस हो जाती है, उसको रिमूव करने के लिए मैं पूरे क्रीज लाइन वाले एरिया को फिर से ब्लेंड करूँगी। तो अब ये हमारा अच्छे से हो गया है ब्लेंड। इसके बाद मैं ले रही हूँ ये लाइट पिंक शेड और इसे अपने जो क्रीज लाइन के नीचे का जो एरिया है, ये हमारा लिड वाला एरिया, इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं एक फिंगर टिप में ले कर इसे अपने आईलिड पर अप्लाई कर रही हूँ और उसके बाद इनर कॉर्नर के लिए मैं सेम जो हमने सबसे पहले शेड लिया था, सबसे लाइट शेड, वो अप्लाई करूँगी और इसको मैं अपनी ब्रो बोन में भी अप्लाई करूँगी। उसके बाद मैं ये गोल्डन शेड ले रही हूँ, बहुत थोड़ा सा गोल्डन शेड ले रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत थोड़ा सा लेना है, ठीक है। इसके उसके बाद सेम शेड लेंगे अपने लोअर लैश लाइन के लिए भी। तो जी आई मेकअप हो गया है डन और आपने सीख लिया है आई शेडो कैसे लगाते हैं, ठीक है। अब अगर आपको मस्कारा, लाइनर और लैशेस लगानी है तो आप लगा सकते हैं।